आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र से कच्ची शराब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को देखते ही थाना अध्यक्ष डॉकी शेर सिंह ने टीम गठित कर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है और फैक्ट्री से 600 लीटर लहन को नष्ट करा 6 लीटर कच्ची शराब बरामद की। जानकारी के अनुसार थाना डॉकी के गांव चमरपुरा में एक बंद पड़े मकान में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री चल रही थी, तभी थाना डॉकी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 6 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 6 ड्रम में रखे 600 लीटर लहन को नष्ट कर दिया। पुलिस ने अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। थाना अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र डॉकी के गांव चमरपुरा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियां धधक रही हैं। सूचना के अनुसार थाना अध्यक्ष शेर सिंह ने टीम गठित कर छापामार कार्रवाई की और मौके से एक महिला बिना पत्नी सीताराम उर्फ शीतो चमरपुरा थाना डॉकी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अभियुक्त सीताराम पुत्र प्रकाश सिंह मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अविनाश कुमार उर्फ चंदू जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कथारा क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।